अब आइए देखते हैं क्या है खास आज योर मनी में। क्या आमिर, अक्षय और बाकी स्टार्स को पसंद आ रहे हैं रेलवे बॉन्ड? क्या रेल बॉन्ड से रिटेल निवेशकों की भी होगी चांदी? घर कार बच्चों की शादी के लिए अभी से कसे कमर, योर मनी करवाएगा आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग। और योर मनी में आज आपके तमाम सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ है बजाज कैपिटल के अनिल चोपड़ा। स्वागत है आपका अनिल जी आज शो पर। तो योर मनी में आज हम करेंगे आपकी कंप्लीट फाइनेंशियल प्लानिंग, लेकिन उससे पहले एक दिलचस्प खबर। रेलवे बॉन्ड को लेकर मशहूर हस्तियों और फिल्मी सितारों में जबरदस्त उत्साह दिखाई दे रहा है। मिस्टर परफेक्शनिस्ट आमिर खान ने रेलवे बॉन्ड के लिए 10 करोड़ की बोली यहां लगाई है, वहीं अक्षय कुमार ने 45 करोड़ की लगाई है बोली, और इसके अलावा करीना कपूर ने 20 करोड़ की बोली लगाई है, तो वहीं करिश्मा कपूर ने भी यहां लगभग 5 करोड़ की बोली लगाई है। 8 दिसंबर से खुले रेलवे बॉन्ड में 21 दिसंबर तक बोली लगाई जा सकती है, और इस नीलामी में रिटेल निवेशक 10 लाख तक का निवेश कर सकते हैं। तो अगर हम रेल बॉन्ड की बात करें तो यहाँ पे 10 से 20 साल की अवधि के लिए आप निवेश कर सकते हैं, जहां पर अगर हम 10 साल की बात करें तो 7.32% तक का आपको ब्याज मिलेगा, और 20 साल का अगर आप निवेश करते हैं, पैसे लगाते हैं, तो आपको 7.5% की दर के आसपास रिटर्न मिलेगा। और रिटर्न ये बिल्कुल टैक्स फ्री है, यानी जो हम इंटरेस्ट बता रहे हैं वो नेट इंटरेस्ट आपको मिलेगा, कोई भी TDS नहीं कटेगा। लेकिन क्या एक रिटेल निवेशक के लिए भी ये अच्छा निवेश का मौका है? क्या आपको भी फिल्मी सितारों को फॉलो करना चाहिए? बात करते हैं अनिल जी से। अनिल जी, अगर हम बाकी इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट्स या फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट्स से कंपेयर करें रेलवे बॉन्ड को, तो आपको ये प्रोडक्ट कैसा लगता है? खासतौर से अगर मैं NSE और FD पर जो ब्याज दरें मिलती हैं उसके मुकाबले देखूं, तो क्या रेल बॉन्ड आपको आकर्षक लगता है? देखिए, रेल बॉन्ड एक बहुत ही आकर्षक एक योजना है, लेकिन उनके लिए जो कि हाई टैक्स ब्रैकेट में है। जैसे कि आपने कुछ फिल्मी सितारों की बात करी जिनकी आमदनी करोड़ों रुपए में होती है हर साल, तो उनके लिए तो ये एक बहुत अच्छा वरदान है। एक ऐसा मौका उनको दोबारा मिलेगा नहीं जहां वो अपनी जोड़ी हुई रकम को लंबे समय के लिए टैक्स फ्री इंटरेस्ट कमाने के लिए छोड़ सकते हैं। ना रिस्क है और इनको लगातार अपनी इनकम मिलती रहेगी। और याद रहे कि जो सेलिब्रिटीज होते हैं उनको होता है कि जल्दी रिटायर हो जाएंगे, तो जो पैसा भी कमाना है उसको ऐसी जगह लगा दें कि वो सेफ रहे और उनकी बाकी की जिंदगी जो है वो आराम से कटती रहे। लेकिन रही बात रिटेल निवेशकों की, तो जो कि 10% टैक्स ब्रैकेट में है या जो 0% टैक्स ब्रैकेट में है, उनके लिए ये जो टैक्स फ्री बॉन्ड्स हैं इससे बेहतर होगा कि वो बैंक FD में लगाएं, तो ज्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि वहां पे इनको अभी भी 7.5 से 8% का इंटरेस्ट मिल सकता है, और वो छोटी उसकी जो पीरियड है वो भी कम होता है। जहां तक ये टैक्स फ्री बॉन्ड्स हैं ये 10 साल के और उसके बाद फिर 15 साल या 20 साल की लंबी अवधि के लिए होते हैं, तो अगर कोई लंबी अवधि के लिए इंतजार करने को तैयार है तब तो इसमें सोचे, लेकिन अदरवाइज क्योंकि इसमें लिक्विडिटी भी जो है वो ज्यादा नहीं है। अगर छोटे अमाउंट के आपने बॉन्ड्स ले रखे हैं 2 लाख के 5 लाख के 10 लाख के, तो जल्दी से बिकते भी नहीं है। हाँ, अगर आपके पास करोड़ों के बॉन्ड्स हैं तब उसको लेने के लिए सेकेंडरी मार्केट में खरीदार भी बहुत तैयार बैठे हैं। बिल्कुल अनिल जी, लेकिन अगर मैं देखूं तो इनमें कोई लॉक इन पीरियड नहीं है, और साथ ही आपने कहा कि FD में निवेश करने में ज्यादा समझदारी है, लेकिन FD पे जो हमें रिटर्न मिलता है वो तो टैक्स्ड होता है। तो भले ही FD में हम देख रहे हैं कि 8% से ज्यादा का रिटर्न मिल रहा हो, लेकिन टैक्स कटने के बाद आपकी टैक्स स्लैब के हिसाब से जो आपको रिटर्न मिलेगा वो 6 या 7% के आसपास ही होगा। मैं उसको बात को दोहराता हूं कि अगर आप 20 या 30% टैक्स ब्रैकेट में हैं फिर तो डेफिनेटली आपको टैक्स फ्री बॉन्ड की तरफ रुख करना चाहिए। लेकिन अगर आप 0% टैक्स ब्रैकेट में, आप सीनियर सिटीजन हैं, आपकी आमदनी उतनी नहीं है और आप टैक्स नहीं भरते हैं, या सिर्फ 10% टैक्स भरते हैं और आप लंबी अवधि तक इंतजार नहीं कर सकते हैं, अपने पैसे को बहुत देर तक नहीं फंसा सकते हैं, तब बेटर रहेगा कि आप जो है बैंक FD में या दूसरी जो पोस्ट ऑफिस की स्कीमें हैं, सीनियर सिटीजन स्कीम है या फिर पोस्ट ऑफिस की मंथली इनकम स्कीम है, उधर रुख करें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। लेकिन बहुत सारे लोग जो कि 20% या 30% हाई टैक्स ब्रैकेट में है, उनके लिए टैक्स फ्री बॉन्ड जो है वो एक बहुत ही एक लुभावना एक अवसर है। बिल्कुल, तो यहाँ पर अगर आप हायर टैक्स ब्रैकेट में हैं तब जाके आप रेल बॉन्ड में पैसे लगा सकते हैं, जैसे कि हमारे फिल्मी सितारे भी कर रहे हैं। बाजार में जो उतार चढ़ाव आएगा उसमें उसके बावजूद आपको एक गारंटीड रिटर्न मिलेगा, तो इसका फायदा आपको जरूर उठाना चाहिए अगर आप थोड़ा सा ज्यादा निवेश करना चाहते हैं, अगर आप हायर टैक्स ब्रैकेट में हैं तो। लेकिन योर मनी में हम आगे बढ़ते हैं, और आज जैसे कि हमारी थीम है फाइनेंशियल प्लानिंग, तो हमारे पहले दर्शक दिल्ली से अजय कुमार जुड़ रहे हैं जिनकी पूरी फाइनेंशियल प्लानिंग आज हम शो पे करेंगे। स्वागत है आपका, बताइए क्या सवाल है। गुड इवनिंग मैडम। गुड इवनिंग।
मेरा सवाल ये है कि अपनी डॉटर के लिए है, जिसके लिए मैं ये जानना चाहता हूँ, जिसकी अभी 3 months back she had been in job. अच्छा. And she is getting 60,000 per month. ठीक है. As its total income. और इस 60,000 को वो अभी उसमें आना शुरू हुआ है, तो मेरा जो आपसे क्वेश्चन ये है कि अभी उसकी ये इनकम रहेगी, तो अब मैं अभी से ही उसका एक प्लानिंग बनाना चाहता हूँ कि हम कितना उसके लिए इंश्योरेंस में इन्वेस्ट करें. एक पोर्टफोलियो बनाने के लिए आपसे मेरी जो रिक्वेस्ट है वो बेसिकली इसके रिक्वेस्ट फॉर मेकिंग ए पोर्टफोलियो. मुझे ये बताइए अजय जी, करंट निवेश कैसे किया है आपकी बेटी ने, या आपने उनके लिए किस तरह का निवेश अब तक किया है? देखिए अभी तक जो है हमने उसके जो अकाउंट के अंदर एफडीआर भी है, जो पहले वाले पैसे से है जी, जो अभी इस मनी से नहीं, पहले पहले जो थोड़ी बहुत इनकम होती रही है या मैं किसी से गिफ्ट्स मिलते रहे, तो टोटल अराउंड 4 lakh शी इज हैविंग इन एफडीआर. ठीक है. और अभी हमने रिसेंटली नवंबर के महीने में 25,000 रुपए का पीपीएफ में इन्वेस्टमेंट किया है. ठीक है. ये हर महीना आप करेंगे? हाँ जी, ये हर महीना होगा कि ईयरली आप कराएंगे पीपीएफ में निवेश? नहीं, पीपीएफ में तो 25,000 करा दिए मेरे, करा दिया है. ठीक है, ओके. हाँ जी, वो नवंबर में करा दिया है. ओके. अब हम जानना चाहते हैं कि अब जैसे अब शी इज ऑफ द एज ऑफ 24 इयर्स और शी विल बी गेटिंग मैरिड समवेयर इन 2016 इन द एंड और मे बी इन द बिगिनिंग ऑफ 2017. ठीक है. और ये चाहते हैं कि एक तो उसके पास एक शॉर्ट टर्म गेन हो कि मैरिज के टाइम पे हम उसके कम से कम उससे हम 5 lakh रुपया उस समय ले सकें. ठीक है. जो कि उसकी शादी के लिए. ठीक है. 5 से 6 lakh के बीच में, दैट इज आवर रिक्वायरमेंट. ठीक है. और दूसरा, आप मेरे ख्याल से उनके बेहतर भविष्य की प्लानिंग करना चाहते हैं, जहां पर घर लेने का मन है 1 crore का. हाँ जी बिल्कुल. कितने सालों का समय देंगे आप इस लक्ष्य के लिए? देखिए जी, ये जो घर के लिए है, ये हमारा जो प्लान है मतलब ये आफ्टर 10 years अब जब वो मैरी हो जाए तो 10 साल के बाद एटलीस्ट शी शुड बी इंडिपेंडेंट एंड शी शुड हैव वन हर हाउस ऑन हर नेम. बिल्कुल अच्छी सोच है. लेकिन अजय जी, मुझे बताइए कि इस लक्ष्य के लिए वो कितना निवेश कर पाएंगे हर महीना? देखिए, जो अब 60,000 अभी जो आ रहा है उसमें से वो सिर्फ 10,000 रुपया उसका खर्चा होगा अपने ऊपर. अच्छा, ठीक है. तो मतलब वो कम से कम 30 से 40,000 रुपए खर्च का मतलब निवेश कर सकती है हर महीना? बिल्कुल जी, बिल्कुल. ठीक है, ठीक है. और कोई लक्ष्य में डालें और कितना इंश्योरेंस में डालें? ठीक है. मैं टोटल आपसे रिक्वेस्ट है पोर्टफोलियो बनवाने की. बिल्कुल. तो आपकी बेटी का पोर्टफोलियो मैं यहाँ पर जरूर बनवाऊंगी. आपकी बेटी का नाम बताएंगे आप? कशिश. कशिश. चलिए अनिल जी, यहाँ कशिश की फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं. जैसे कि उन्होंने बताया कि अभी अभी जॉब लगी है उनकी, 24 साल की है और अगले साल के एंड या 2017 की शुरुआत में शादी करने का भी लक्ष्य रखा है इन्होंने, जिसके लिए 5 lakh रुपए ये चाहते हैं कि अपनी बेटी खुद अपनी शादी के लिए दे. काफी छोटा समय है, ऐसे में क्या ये अपनी एफडी का इस्तेमाल कर सकते हैं जो जो इन्होंने अभी तक निवेश किया है? क्योंकि काफी छोटा समय है तो ज्यादा कहीं हम निवेश करने की इनको राय दे नहीं सकते हैं, खासतौर से इक्विटी में. हाँ डेफिनेटली. देखिए, 1 या 1.5 साल का जो वक्त बचा है इनके पास शादी से पहले, वो बहुत ही छोटा पीरियड है. और उस पीरियड में आपको चाहिए कि पैसा अपना बिल्कुल सेफ्टी के साथ बैंक के फिक्स्ड डिपॉजिट में रखें तो ज्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि अगर आप इक्विटी वगैरह में तो काफी वोलेटिलिटी रहती है. और आपका जो गोल है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है. जो डॉटर की मैरिज है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट एक ऑब्लिगेशन है, बजाय इसके कि आप मार्केट में रिस्क लें. तो आपको चाहिए कि जो भी पैसा आपने जोड़कर रखा हुआ है उसको बैंक एफडी में रखें और उसको सेफ्टी के साथ मैरिज के तय होने तक उसको यूज करें. और उसमें से 50,000 रुपए जो है वो लिक्विडिटी के लिए भी लिक्विड फंड में भी रख सकते हैं. रही बात इनके जो लॉन्ग टर्म गोल्स हैं, जैसे डॉक्टर की ये चाहते हैं कि रिटायरमेंट के टाइम पे अच्छी खासी रकम जमा हो जाए और उसको घर भी बन जाए 12-15 साल के बाद, साथ में इंश्योरेंस वगैरह का भी पूरा प्रोटेक्शन रहे. तो हमने ये हिसाब लगाया है कि अगर ये पीपीएफ में जिसमें उन्होंने 25,000 रुपए से अकाउंट खोला है वहां पर साल की जो लिमिट है वो 1.5 लाख रुपए की है. अगर ये 10,000 रुपए महीना यानी कि साल का 1,20,000 रुपए जोड़ते हैं तो ये इनका बढ़ के 35 साल में करीब 2.5 crore रुपए हो जाएगा. तो जब ये रिटायर होंगे, अभी ये जैसे 24-25 साल के हैं, जब ये 59-60 के होंगे, रिटायरमेंट का टाइम नजदीक आएगा, तो 2.5 crore रुपए सिर्फ इनका पीपीएफ से जमा हो जाएगा, जो कि बिल्कुल ही एक सेफ ऑप्शन है. यानी पीपीएफ में इनको अपना निवेश जारी रखना चाहिए. लेकिन अब आते हैं इनके बाकी लक्ष्य पर, जो कि इनको घर खरीदना है. तो आपको लगता है कि केवल पीपीएफ के निवेश से ही इनको घर का सपना इनका पूरा हो जाएगा?
नहीं नहीं देखिए पीपीएफ जो है वो हर एक जो इन्वेस्टमेंट है वो गोल्ड से लिंक होनी चाहिए, तो पीपीएफ को लिंक होगी रिटायरमेंट से, उसको टच नहीं करना रिटायरमेंट से पहले। अब इनको चाहिए कि ये इक्विटी फंड्स में सिर्फ स्टार्ट करें अपने घर के सपने को पूरा करने के लिए। हमने ये हिसाब लगाया कि अगर ये 20,000 रुपये हर महीने जोड़ती हैं डाइवर्सिफाइड इक्विटी म्यूचुअल फंड सिप्स में तो तकरीबन 12-13 साल में बढ़ के वो 1 करोड़ हो जाएगा और उससे अपना ये घर का आशियाने का सपना पूरा कर सकती हैं। इसके लिए इनको चाहिए कि लास्ट कैप फंड से ही शुरुआत करें, जैसे कि एचडीएफसी टॉप 200 है या रिलायंस टॉप 200 है या एसबीआई ब्लू चिप फंड है, ये 10,000 रुपये के 2 सिपे या 5,000 रुपये के 4 सिपे अपने फाइनेंशियल प्लानर से सलाह करके इमीडिएटली स्टार्ट कर सकते हैं। इसके अलावा इनको चाहिए कि एक अपना हेल्थ इंश्योरेंस जरूर करवा लें, क्योंकि ये अभी यंग हैं और किसी भी टाइम कोई भी डिसेबिलिटी वगैरह आ सकती है, तो उसको देखते हुए इनको चाहिए कि 10 लाख रुपए का एक सम एश्योर्ड का हेल्थ इंश्योरेंस ले लें, जिसमें उनको तकरीबन सिर्फ 11,000 रुपए साल का प्रीमियम पड़ेगा। और हम कुछ इनको नाम भी सुझा देते हैं, यहाँ पे ये फाइंड आउट कर सकते हैं, एसबीआई का जनरल का आरोग्य प्रीमियर पॉलिसी है या फिर सिग्ना टीटीके का प्रोफेशनल हेल्थ प्लान है, तो इन प्लान्स को लेके ये अपना जो मेडिकल रिलेटेड कोई अगर खर्चा आ जाता है तो उसकी भी ये प्रोटेक्शन कर सकती हैं। साथ में इनको एक टर्म प्लान ले लेना चाहिए 1 करोड़ रुपए का, क्योंकि नेचुरली इनके पेरेंट्स भी इन पे डिपेंडेंट हैं अभी, तो उसके लिए एचडीएफसी क्लिक टू प्रोटेक्ट या फिर आईसीआईसीआई प्रोटेक्ट सिर्फ 8,000 रुपए साल का इनको प्रीमियम पड़ेगा। ठीक है, तो साथ ही 3-4 चीजें करके अपनी लाइफ को ये कम्प्लीटली सेफ गार्ड कर सकते हैं। तो इंश्योरेंस को लेकर तो ये तमाम चीजें आपको अपने पोर्टफोलियो में शामिल करनी चाहिए, लेकिन जहां तक फंड्स की बात है, फंड्स की परफॉर्मेंस आपको जरूर ट्रैक करनी चाहिए। एचडीएफसी टॉप 200 फिलहाल काफी समय से हम देख रहे हैं परफॉर्म नहीं कर रहा है, एक बार इसकी परफॉर्मेंस थोड़ी सी सही हो जाए उसके बाद आप इसमें निवेश करने की रणनीति हालांकि बना सकते हैं, लेकिन बाकी तमाम फंड्स आप अपने पोर्टफोलियो में जरूर शामिल करें, ये सलाह आपको हम योर मनी के जरिए दे रहे हैं। रुकते हैं एक ब्रेक के लिए, लेकिन आगे भी जारी है हमारे दर्शकों की फाइनेंशियल प्लानिंग, बने रहे हमारे साथ। योर मनी में अगले दर्शक जयपुर से वैभव कौशिक जुड़ रहे हैं। नमस्कार वैभव, कैसे हैं आप? हाँ मैडम, अच्छे हैं। बताइए अपने बारे में कुछ, क्या करते हैं? एक्चुअली मैं प्रोफेसर हूँ, एक कॉलेज में पढ़ाता हूँ। अच्छा, पूछिए क्या सवाल है। मैंने एक्चुअली एक पॉलिसी ली है एडलवाइज टोक्यो वेल्थ रिकमेंडेशन प्लस। ठीक है, यूलिप प्लान लिया है आपने? हाँ यूलिप प्लान। ओके, तो 25,000 प्रीमियम दे रहे हैं उसमें पर ईयर। आपका फंड सिलेक्शन क्या है? फंड सिलेक्शन एक्चुअली इक्विटी लार्ज कैप है, बॉन्ड है, और टॉप 200 है, इक्विटी टॉप 200 250 एंड पीई है प्राइस अर्निंग रेशियो। ठीक है, तो अभी फिलहाल आप योर मनी से क्या सलाह चाहते हैं कि ये यूलिप प्लान सही है या नहीं? हाँ यही जानना चाहते हैं ये सही है या नहीं और कितना रिटर्न आपको मिलेगा। यस मैम। चलिए, अनिल चोपड़ा हमारे साथ आज के मेहमान जुड़े हुए हैं। अनिल जी, इन्होंने यूलिप में पैसे लगाए हुए हैं, मेरे ख्याल से 10-15 साल का इनका लक्ष्य है। अमूमन तो हम कहते हैं कि यूलिप जैसे प्रोडक्ट्स में आपको मार्केट लिंक्ड होते हैं एक तरह से, रिटर्न तो बाजार में उतार चढ़ाव के हिसाब से ही मिलेगा, लेकिन एक इंश्योरेंस का पर्पस जो है वो पूरी तरह से पूरा नहीं होता है। ये प्लान के फीचर्स में सबसे पहले समझना चाहूंगी आपसे। हाँ देखिए, कवर प्लस जो है एक ये यूलिप प्लान है, जैसे कि ये भी जानते हैं और आपने भी बताया, यानी कि एक मार्केट लिंक प्लान है और इसकी एक एनएवी होगी और ये डिपेंड करेगा कि क्या एलोकेशन उन्होंने चुन रखी है। इन्होंने बताया कि इन्होंने 30% लास्ट कैप, 20% पी रेशियो पे बेस करके 20% बॉन्ड और 30% इक्विटी टॉप 250 में ये इन्होंने सिलेक्शन कर रखी है। और इनको हम ये बता दें कि इसमें जो फीचर्स हैं वो ये हैं कि अगर तो अनफॉर्चुनेटली डेथ हो जाती है फिर तो सम अश्योर्ड प्लस फंड वैल्यू दोनों मिलते हैं। ठीक है, और अगर पूरी पीरियड ये कवर करते हैं तो मेच्योरिटी पे इनको जो भी फंड वैल्यू है वो मिलेगी इनको, और इसमें कम से कम 10 साल अगर ये रुकेंगे तभी डिसेंट रिटर्न मिलेगी, क्योंकि हमेशा से हम कहते आए हैं कि यूलिप प्लान्स में कुछ खर्चे ज्यादा होते हैं, शुरू के सालों में ज्यादा लगते हैं, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता जाता है तो उसकी रिटर्न इंप्रूव होती जाती है। तो इनको चाहिए कि ये लगातार प्रीमियम पे करते रहें और एलोकेशन अपनी इक्विटी में ज्यादा बढ़ा दें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। यानी आप कह रहे हैं कि इनको इस पॉलिसी में, इस प्लान में रहना चाहिए, महंगाई को बीट करने वाले रिटर्न की क्या ये उम्मीद कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल, डेफिनेटली देखिए, अगर ये लंबे समय इंतजार करेंगे कम से कम 10 साल तक, तो हम सब एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि हमें इक्विटी मार्केट से 12-15% की रिटर्न मिलनी चाहिए और इन्फ्लेशन हमारा जो है वो 5-6 के आसपास रहना चाहिए, तो इन्फ्लेशन बीटिंग रिटर्न तो इनको आराम से मिलेगी।
अगर ये अनुशासन दिखाते हैं तो। चलिए, तो यहाँ पर वैभव जी आपको सलाह यही है कि अगर आप 10 साल तक रहना चाहते हैं इस प्लान में तब जाके आपको अच्छा खासा रिटर्न मिल पाएगा। अपने फंड सिलेक्शन में इक्विटी का एक्सपोजर थोड़ा सा आपको और बढ़ाना होगा क्योंकि आपकी समय की अवधि बहुत ज्यादा है, तो वोलेटाइल मार्केट का फायदा आप यहाँ पर उठा सकते हैं। लेकिन फिलहाल आप इस प्लान में बने रह सकते हैं, जो कि आपका सवाल भी था। उम्मीद करते हैं कि योर मनी के जरिए आपको सवाल का जवाब मिल गया होगा। रुकते हैं एक ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद हम करेंगे राजीव राय की फाइनेंशियल प्लानिंग। बने रहें। जर्मनी में अब लेते हैं उत्तर प्रदेश वाराणसी से राजीव राय का सवाल। ईमेल के जरिए उन्होंने सवाल भेजा है, कह रहे हैं कि 31,000 रुपए हर महीना इनकी कमाई है और अपनी बेटी के बेहतर भविष्य के लिए कुछ प्लानिंग करना चाहते हैं। फिलहाल ये 10,000 रुपए तक की SIP कर रहे हैं कुछ फंड्स में, जिसको बढ़ाकर ये 20,000 रुपए कर सकते हैं। कुछ लक्ष्य उन्होंने अपने लिए तय किए हैं, जिसमें 10 साल के बाद इन्हें 30 लाख का घर खरीदना है बेटी की शादी के लिए, 20 साल के बाद इनको 50 लाख रुपए चाहिए और साथ ही अपने रिटायरमेंट के लिए 25 साल के बाद इनको चाहिए 1.5 करोड़ रुपए। तो सबसे पहले तो फंड सिलेक्शन इनका कैसा है जान लेते हैं। अनिल जी, क्या कहना है आपका इनके फंड सिलेक्शन पर? देखिए, जो इनके ICICI प्रूडेंशियल के दोनों फंड्स हैं, फोकस ब्लू चिप और वैल्यू डिस्कवरी, ये दोनों ही बेहतरीन फंड्स हैं। इनकी परफॉर्मेंस, कंसिस्टेंसी, स्टॉक सिलेक्शन मेथोडोलॉजी सब कुछ बहुत बढ़िया है और ये टॉप स्टार में गिने जाते हैं। साथ ही जो इन्होंने बैलेंस फंड ले रखा है टाटा का और SBI मैग्नम टैक्स गेन, तो एक ELSS है, उसकी परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा बढ़िया नहीं रही है, लेकिन क्योंकि वो ELSS है इसमें उनको कंटिन्यू करना पड़ेगा, 3 साल का लॉक इन रहता है। बैलेंस फंड भी एक अच्छा इनके ओवरऑल पोर्टफोलियो में एक क्रेडिबिलिटी को लैंड करता है, तो अच्छी फंड सिलेक्शन है इनकी। बिल्कुल, लेकिन अब निवेश के लिहाज से मुझे बताइए कि इनको अपना अपने लक्ष्य के हिसाब से निवेश को कितना बढ़ाना पड़ेगा? देखिए, जो 10,000 रुपए ये ऑलरेडी निवेश कर रहे हैं, इससे तो उनका घर खरीदने का सपना पूरा हो जाएगा, तकरीबन 30 लाख तक जुड़ जाएंगे इनके 10 साल के अंदर। बाकी जो इनके दो लक्ष्य हैं, बेटी की शादी और अपनी रिटायरमेंट, उसके लिए इनको 5,000 रुपए की अगर 2 सिप और स्टार्ट करें या इन्हीं सिप्स में ये 5,000 रुपए से बढ़ा दें तो इनके दोनों सपने बड़े आराम से पूरे हो जाएंगे। हमने हिसाब लगाया कि 1.5 करोड़ रुपए जो चाहिए इनको रिटायरमेंट के लिए 25 साल के बाद, वो आ जाएगा इनका 5,000 रुपए जोड़ने से, और अपनी बेटी की शादी के लिए तो 3,000 रुपए काफी होगा, लेकिन अगर 5,000 करते हैं तो और अच्छे से शांत शादी कर पाएंगे और 2035 तक इनको जो अपनी रकम है वो पूरी मिल जाएगी 50 लाख रुपए की। चलिए, तो आपको अपना निवेश बढ़ाना होगा, फिलहाल आपकी फंड सिलेक्शन अच्छी है, आप चाहे तो और बढ़ावा निवेश इन्हीं फंड में कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया इसी के साथ अनिल जी समय निकालकर दर्शकों को आज अपनी राय देने के लिए। और अब रुख करते हैं इन्वेस्टमेंट टिप्स की ओर। जानो तो मानो .com इन्वेस्टमेंट टिप्स। सबसे पहला टिप आता हुआ, अलग अलग एसेट क्लास में पैसे लगाएं। डाइवर्सिफिकेशन बहुत जरूरी है पोर्टफोलियो में। एक अगर एसेट क्लास में अगर रिटर्न नहीं मिल रहा है तो उसका खामियाजा या उसका जो भी बचा कुचा रिटर्न है आपको दूसरे एसेट क्लास में मिल जाएगा। दूसरा टिप, आगे बढ़ते हैं, बाजार के उतार चढ़ाव के साथ पोर्टफोलियो बदले। अक्सर हम देखते हैं कभी इक्विटी क्लास अच्छा परफॉर्म करती है तो कभी डेट में आपको बेहतर रिटर्न मिलता है, तो इसके चलते आपको अपने पोर्टफोलियो को रीवैम्प या रीशफल करना जरूरी है। म्यूचुअल फंड में पैसा लगाना ज्यादा आसान है बजाय दूसरे एसेट क्लास के, और पोर्टफोलियो का होमवर्क करना चाहिए, यानी इसको ट्रैक लगातार करते रहना चाहिए। तो ये थे आपके लिए तमाम इन्वेस्टमेंट टिप्स योर मनी के जरिए। उम्मीद करते हैं कि आपको अपने सभी सवालों का जवाब आज मिल गया होगा, लेकिन अगर आपको कोई सवाल पूछना है तो अपना सवाल कॉन्टैक्ट नंबर, लोकेशन के साथ, ट्विटर आईडी @kavitath या फिर हमारी ईमेल आईडी पर भेज सकते हैं। नमस्कार।